हम भारत में राष्ट्रवाद देख रहे हैं, इसमें अब आगे हम देखेंगे आगे की कड़ी में ग्रामीण इलाकों में विद्रोह, मतलब ग्रामीण इलाकों में भी विद्रोह स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर जब असहयोग आंदोलन देहात में जब फैला था, तो उसके बाद जो विभिन्न भागों में जो किसान थे, आदिवासी थे, ये भी आपस में संघर्ष वहां पर संघर्ष करने लगे थे, वे भी अपने हक के लिए लड़ने लगे थे। फिर यहाँ पर सन्यासी बाबर रामचंद्र किसानों के नेतृत्व कर रहे थे, फिर गिरमिटिया मजदूर के तौर पर वे काम कर चुके थे, इसलिए वह जो आंदोलन जो था उसमें तालुकदार और जमींदार, तालुकदार वे होते थे जो जमींदार के साथ साथ जो उनके मिलकर काम करते थे, किसानों में भी भारी भरकम जो लगान होता था उसका भी विद्रोह करने लगे थे, क्योंकि उससे बहुत सारा कर वसूल करने लगे थे। बार बार पट्टी की जमीन को हटा दिया जाता था और उसके बाद किसानों से मांग की जाती थी लगान कम किया जाए, लेकिन वे कम नहीं कर रहे थे। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जब बेगार खत्म हो गया, दमनकारी जमींदार सामाजिक बहिष्कार किया जाने लगा, तो इसमें जमींदार नाई धोबी सभी सुविधाओं से उनको वंचित करने के लिए पंचायतों में नाई धोबी बंद करने का फैसला कर दिया था। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो इलाके थे वहां पर विद्रोह स्टार्ट होने से और उसके तालुकदार व्यापारियों मकान के हमले होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगे, इस तरह से अनाज के गोदामों पर भी लोगों ने कब्जा कर लिया था। फिर बगानों में स्वराज, जो बगान थे चाय बगान थे, नील बगान थे, उसमें भी स्वराज किस तरह से आया, तो गांधी जी के विचारों में स्वराज की अवधारणा के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। उसके पहले हमने बताया था कि जब उन्होंने आंदोलन जो किए थे, सत्याग्रह जो किए थे, नील खेती में भी किए थे, चाय बगानों में भी किए थे और मजदूरों के हक के लिए भी उन्होंने लड़े थे। इस तरह से असम के बगानों में मजदूरों की आज़ादी का मतलब यह था कि चार दीवारियों से कब तक हम चाहे जब हम आ जा सकते हैं, मतलब चार दीवारी से हमें बाहर निकलना है। और इसके बाद इंग्लैंड में जो 1859 में इंग्लैंड में एम्प्रिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूर बिना इजाजत बगान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, मतलब उनको बाहर जाना है तो बताकर जाना होगा। और असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारों के हक के लिए अवहेलना करने लगे और उन्होंने बगान छोड़ दिए और उसके बाद वे घर चले गए। जब गांधी राज आया तो उसमें हर एक गांव में जमीन मिल जाएगी, लेकिन मंजिल पर नहीं पहुंच पाए और इसके कारण रेलवे स्टीमरों में हड़ताल के कारण भी रास्ते में वे फंसे रह गए थे। इस तरह से पुलिस ने भी पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई की गई थी। स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं दृष्टिगत जो कांग्रेस कार्यक्रम में परिभाषित नहीं कर पाया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत से सारे कष्ट सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन उस समय भी जो थी मुसीबतें जो कष्ट से खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। और यहाँ गांधी जी के नाम से कई लोग आदिवासी नारा लगा रहे थे और स्वतंत्र भारत के हुकार भरी और एक अखिल भारतीय आंदोलन के भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे और गांधी जी का नाम लेकर काम करते थे और कांग्रेस के आंदोलन में जोड़कर वह उनको देखते थे। तो देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का जब फैसला लिया था, तो उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और उन्हें सत्याग्रह व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो गठित किए प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन उनको उसमें वकालत करना और दिखाना और भी महत्वपूर्ण था और लोकतांत्रिक संस्था नहीं थी। इसमें सी आर दास मोतीलाल नेहरू की परिषद ने राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला और जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज्यादा उग्र आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बना रहे थे, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन समय में जो उग्र नेता थे वे यह चाहते थे कि यदि प्यार से या फिर असहयोग करने से या विनती करने से हमें यदि आज़ादी मिल जाती है तो हमें इस करने के लिए क्या जरूरत है। लेकिन वे उग्र थे और वे उनके साथ भी मतलब उग्र रूप से ही उनका हक वापस लेना चाह रहे थे। नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक यात्रा करके ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, इसलिए 1 जनवरी 1923 को उन्होंने वायसराय को एक खत लिखा और खत में उन्होंने कहा था, ग्यारह मांगों का उल्लेख किया था जिसको लेकर उद्योगपति और किसानों के विभिन्न तरह से जुड़ी हुई थी, जिसके जरिए समाज में सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। इस तरह से उन्होंने महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के बारे में की थी और साथ ही साथ अमीर गरीब, क्योंकि उस नमक को अमीर गरीब सभी भोजन में एक अभिन्न हिस्सा होने के कारण उसका उपयोग करते थे और इस तरह से उसके उत्पादन में जो सरकारी इजारेवादी जो महात्मा गांधी ब्रिटिश शासन सबसे दमनकारी पहलू बताया था।
फिर गांधी जी ने एक पत्र में अल्टीमेटम की तरह चेतावनी की तरह था, जिसमें कि 11 मार्च उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। और गांधी जी ने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी और साबरमती यात्रा में आश्रम के से उन्होंने 240 किलोमीटर दूर तक दांडी नामक जो जगह थी वह दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर उन्होंने खत्म की। और ये 24 दिन तक हर रोज 10 मील का सफर वे तय करते थे। और गांधी जी स्वराज का अर्थ यह आह्वान किया था कि लोगों की शांतिपूर्ण अवज्ञा करें और अंग्रेजों का कहा ना माने। और 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे और समुद्र का पानी उबाल कर नमक बनाना शुरू किया और इस तरह से उन कानून का उल्लंघन किया। और उसके बाद भी यहाँ से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वह प्रारंभ हो गया था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सविनय अवज्ञा मतलब विनय पूर्वक उनके जो नियम थे, जो कानून थे, उनका उल्लंघन करना, विनय पूर्वक उनसे मांग करना, यदि नहीं दिया तो उनको उसका अवज्ञा करना है। यहाँ पर देखेंगे कि सिविल नाजपरवानी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के शामिल विभिन्न सामाजिक समूह कौन थे और आदर्श क्या थे। तो गांव में संपन्न किसान समुदाय, गुजरात के पाटीदार, उत्तर प्रदेश के जाट, ये सब सक्रिय थे। और इसमें व्यापार जो था, खेत में जो फसलें होती जाती थी, व्यापार में मंदी गिरती कीमत, बहुत परेशान हो गए थे और नगद आय जो थी तक खत्म होने लगी थी। इस तरह से सरकार लगान कम करने को भी तैयार नहीं था। इस तरह से चारों तरफ असंतोष फैल गया था और आंदोलन बढ़ चढ़ कर समर्थन किया और अन्य समुदाय के लोग भी अपने अपने समुदाय एकजुट किए और अनिच्छुक सदस्यों से बहिष्कार के लिए मजबूर किया गया। फिर स्वराज की लड़ाई के लिए भारी लगान के खिलाफ भी लड़ाई थी और 1931 लगान में घंटे बिना आंदोलन वापस ले लिया गया और बड़ी निराशा हुई क्योंकि यहाँ पर 1932 में आंदोलन दोबारा शुरू हुआ और बहुतों ने उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसमें हिस्सा लेने से उनकी जो अनाज था, जो उनके पास जो संपन्न जो सामान था वह खत्म होने पर आ गया था। फिर सविनय अवज्ञा की सीमा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जन था उसकी सीमा क्या थी। इसमें सभी सामाजिक समूह जैसे स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे और वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़न कहने लगे थे और कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि कांग्रेस जो था वह रूढ़िवादी सवर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी और इसके कारण महात्मा गांधी ने ऐलान किया कि अस्पृश्यता या छुआछूत को कम करना चाहिए जिससे कि बिना किसी सौ साल तक भी स्वराज की स्थापना नहीं की जा सकती क्योंकि हरिजन यानी ईश्वर की संतान उनको बताया और मंदिरों, सार्वजनिक सड़क को समान अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह किया। इसके बाद मेला ढोने वाले प्रतिष्ठा दिलाने के लिए को शौचालय साफ करने लगे और ऊंची जातियों से आह्वान किया कि वे अपना हृदय परिवर्तन करें और अस्पृश्यता के पाप को छोड़ दें ताकि बहुत सारे दलित जो नेता अपने सामुदायिक समस्याओं के अलग अलग राजनीतिक हल ढूंढना चाहते थे उन्हें खुद संगठित करने लगे और शिक्षा संस्थान में आरक्षण के लिए आवाज उठाई और निर्वाचन क्षेत्र में भी यह बात कही गई थी। केवल दलितों को ही चुनकर भेजा जा सके उसका मानना था कि सामाजिक अपंगता केवल राजनीतिक सशक्तिकरण से ही दूर हो सकती है जबकि अवज्ञा आंदोलन जो है दलितों की हिस्सेदारी जो है काफी सीमित थी। लेकिन महाराष्ट्र और नागपुर में यह बात खासतौर पर दिखाई दी कि संगठन वहां पर क्या थे काफी मजबूत हो चुके थे। यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर ने भी 1930 में दलितों की दलित वर्ग के एसोसिएशन में संगठित किया, दलितों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र में सवाल किए जिसमें गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ उनकी काफी विवाद हुआ। वहां पर सरकार ने अंबेडकर की मांग मान ली तो गांधी जी अमरण अनशन पर बैठ गए। उनका मत था कि यदि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की प्रक्रिया जो है वह क्या हो जाएगी, धीमी पड़ जाएगी। इस तरह से आखिरकार अम्बेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट में हस्ताक्षर कर दिए और जिसमें दलित वर्गों के प्रांतीय केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीट भी मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान समान निर्वाचन क्षेत्र में ही होना था इसलिए दलित आंदोलन में कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन संख्या की दृष्टि से देखा जा रहा था। भारत में कुछ मुस्लिम संगठन भी सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखा रहे थे और वहीं मुसलमानों एक बड़ा तबका कांग्रेस से कटा हुआ था और वे महसूस करने लगे थे कि 1920 के दशक के मध्य कांग्रेस हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक राष्ट्रवादी संगठनों काफी करीब दिखने
लगे थे। इस तरह से हिंदू मुसलमानों के बीच जो संबंध जो थे वह खराब होते गए और दोनों समुदाय में पूर्व धार्मिक जुलूस निकलने लगे। इससे कई शहरों में हिंदू मुसलमान संप्रदाय जो थे वह टकराव भी बढ़ने लगे थे और दंगे जो समुदायों के बीच फासला बढ़ता चला गया। जहाँ पर भाईचारा था, जहाँ पर संबंध अच्छे थे, वहां पर इस तरह से सांप्रदायिक टकराव के कारण उनके बीच का फासला क्या होता गया, बढ़ता चला गया। फिर सामूहिक अपनेपन का भाव, यहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग महसूस करने लगते हैं कि एक ही राष्ट्र के अंग है और एक दूसरे की एकता के सूत्र में बंधने के लिए कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं। तो मस्तिष्क में एक यथार्थ रूप में कैसे लेता है, सामुदायिक क्षेत्र में भाषाओं के संबंध में अलग अलग समूह में सामूहिक रूप से अपने कैसे विकसित किया जा सकता है। सामूहिक अपनेपन में यह भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी और इसके अलावा सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं उनके जरिए राष्ट्रवाद के लोगों कल्पना दिलो दिमाग में छा गया और इससे साहित्य लोक कथाएं गीत चित्र प्रतीक सभी राष्ट्रवाद को सरकार करने के लिए अपना योगदान देना प्रारंभ कर दिया था। इस तरह से हमको इसीलिए पता चला कि अपनेपन का भाव, क्योंकि जब हम अपनों के बीच में रहते हैं तो अपनों को समझते हैं, अपनों की दिनचर्या को समझते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, संस्कृति को समझते हैं। जब एक सा होता है तो हम एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं। इस तरह से हम अपनेपन के भाव उसमें प्रलभित हो जाते हैं। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रीय नेताओं लोग एकजुट करने लगे और राष्ट्रवाद की भावना भरने लगे और चिन्हों और प्रतीकों के बारे में भी सोचने लगे कि मतलब यदि हमारा देश आजाद होगा तो किस तरह से हमारे देश का चिन्ह होगा, किस तरह से प्रतीक होगा। और बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा पीला लाल तैयार किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों को प्रतिनिधित्व करने के कमल के 8 फूल और हिंदुओं मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करने अर्धचंद्र को दर्शाया गया था। इस तरह से गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार किया था। यह भी तिरंगा था, सफेद हरा लाल था, लेकिन इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक के चरखे की जगह दी गई थी और यह जो था स्वावलंबन का प्रतीक था और यह झंडा थामे चलना मतलब शासन की प्रति अवज्ञा का संकेत था। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर चरखा का संकेत, लेकिन बाद में ये चरखे की जगह जो है अशोक चिन्ह का जो चक्र है उसे इसमें के जगह दी गई थी। इस तरह से हम देखेंगे कि सामूहिक रूप से अपनेपन की भावना उत्पन्न होने के कारण ही देश को आजाद होने में यहाँ पर सफलता प्राप्त हुई थी।